हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक सर्विस क्लास पर्सन हैं, या यू आर एन एंटरप्रेन्योर, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ फॉर यू। बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक एंड वीडियो, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे अब तक के बनाए वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मेरे को इंकरेजमेंट दी है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को फ़ोन करके स्पेशली मेरे को फीडबैक दिया है कि मेरे वीडियोस कैसे लगे उनको। तो मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जब ये वीडियोस बना के अपलोड करूँ तो आप अपने लाइक्स के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा, प्लस मेरे चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय सचिन जैन को लाइक करके, सब्सक्राइब करके आप मेरा साथ देंगे। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, और एक स्पेशल थैंक्स उन सभी स्टूडेंट्स का जिनको मैंने आज तक पढ़ाया है, जिन्होंने मेरे को बहुत सारी बातें सिखाई हैं। मैंने बहुत कुछ अपने स्टूडेंट से सीखा है दोस्तों, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आई एम मोर ऑफ ए लर्नर देन बींग अ टीचर टू देम। हर दिन जब मैं क्लास में गया हूँ, कुछ नया सीखा है मैंने, और ये यूट्यूब चैनल भी उसी लाइन में ही, एक उसी लाइन की एक्सटेंशन है कि मैं इस चैनल को चला रहा हूँ। आप सबकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो बातें मुद्दे की बात पे, कि आज का जो मेरा वीडियो है, इट इज़ अबाउट सक्सेस। तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ शुरू में, कि डू यू ऑल वॉन्ट सक्सेस इन योर लाइफ? आई थिंक आप सभी यही कहेंगे कि हाँ जी, हमें सक्सेस चाहिए लाइफ में, वी नीड सक्सेस। तो अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस टू यू? सक्सेस या सफलता का मतलब या मायने आप लोगों के लिए क्या हैं? क्या सक्सेस बहुत ज़्यादा फेम कमाना है? क्या सक्सेस बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमाना है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स, बड़े बड़े लग्जरी होटल्स में जाके स्टे करना, वेकेशंस करना, या बहुत बड़े लग्जूरियस घर में रहना आपके लिए सक्सेस है? आज तक हमारी एजुकेशन ने दोस्तों हमें यही सिखाया है कि सक्सेस का मतलब बहुत सारी लग्जरीज इन लाइफ, बहुत सारा रुपया पैसा, यही सक्सेस है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से इन सब चीज़ों को करके, इन सब चीज़ों के पीछे भागने के बाद, इनको कुछ हद तक मैंने, मैं ये भी कहूँगा कि मैंने इनको हासिल भी किया है, इसके बाद मैंने सक्सेस को डिफाइन किया है एक अपने तरीके से, एक नई सोच के साथ। आप मेरे साथ शायद अग्री करें या नहीं भी करते हैं तो कमेंट्स में जाके ज़रूर मेरे से ये बात आप डिस्कस करें कि सक्सेस के जो मायने मैं अब अपने वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, क्या वो सक्सेस नहीं है? चलिए, आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सक्सेस अगर बहुत सारा फेम है, मनी है, जैसे शाहरुख खान है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, वेरी फेमस बॉलीवुड एक्टर्स, हार्ट थ्रॉब ऑफ मिलियंस। मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, ही हैज कम अप विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हिज लाइफ। उनकी सक्सेस अपने आप में एक एग्जाम्पल है विच मोटिवेट्स अदर पीपल। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तान का वो फौजी जो सियाचिन ग्लेशियर में अपनी ड्यूटी कर रहा है, जहाँ पे ज़्यादा शहादत होती है मौसम की वजह से, ना कि दुश्मन की गोली की वजह से। 3 महीने की पोस्टिंग में वो सोल्जर दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहा है, और अल्टीमेटली जब वो अपनी ड्यूटी को ख़त्म करता है 3 महीने के बाद, क्या वो सक्सेस नहीं है कि उसने मौत को मात दे दी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए? वो सक्सेस नहीं है। सर्दियों की रात में सड़क के किनारे फुटपाथ पे पड़े हुए एक गरीब आदमी, जिसके वो तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, जब वो रात को काट लेता है और सुबह वो अपने आप को जिंदा पाता है, तो क्या वो सक्सेस नहीं है लाइफ की? आप अपनी कार में कहीं जा रहे हैं, सड़क के किनारे एक बहुत ही बूढ़ा इंसान सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, आपके मन में आता है कि मैं इसको सड़क क्रॉस करने के लिए इसकी मदद कर दूं। आप अपनी कार को रोकते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क क्रॉस करवा देते हैं। उसके बाद जब आप वापस आके दोस्तों अपनी कार में बैठते हैं, और आपके दिल में एक पॉजिटिविटी आती है कि आज आपने एक अच्छा काम किया है, तो क्या वो सक्सेस नहीं है? अब आप मेरे को बताइए कि कौन सी सक्सेस मैटर करती है? अपने लिए ज़्यादा पैसे कमाना, अपने लिए ज़्यादा लग्जरीज को प्राप्त कर पाना,
हर साल 2-3 बार फॉरेन में हॉलीडेज करना, लग्जूरियस होटल्स में रहना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाखों लाइक्स आ जाना, वो सक्सेस है? या के अच्छे कामों को करके अपने दिल में एक सेटिस्फेक्शन हासिल करना, वो सक्सेस है? आप बताइए मेरे को, सक्सेस के मायने क्या हैं? क्या सक्सेस या सफलता वही वाली सफलता है जिसके साथ रुपया पैसा आता है, आप मशहूर हो जाते हैं पूरी दुनिया में, वही सक्सेस है? या अच्छे कामों को करके एक अंदर से इनर पीस, इनर सेटिस्फेक्शन आती है जो, वो सक्सेस है? मैं ये समझता हूँ, जो मेरा मेरी फिलॉसफी है मेरी लाइफ की, कि मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस लाइज समवेयर बिटवीन मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड डूइंग गुड डीड्स एज वेल। क्योंकि जैसा बोलते हैं ना आजकल कि ये कलयुग चल रहा है, तो परमात्मा रब को हमने साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन इंसान के दिल में ही भगवान बस जाता है और उसको मोटिवेट कर देता है, तो वो दूसरे इंसानों की या जानवरों की मदद कई बार ही हम लोग कर देते हैं, अच्छे थॉट्स ले लेते हैं, तो क्या ये सक्सेस नहीं है? लेकिन अफसोस ये है दोस्तों कि कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्था इस तरह की सक्सेस को प्रमोट नहीं करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में, जब स्टूडेंट होता है उससे पूछिए, व्हाट इज योर करियर गोल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, डू यू वांट टू बी फेमस, डू यू वांट टू बी रिच, यू डू यू वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, तो उसका आंसर होता है यस, आई वांट टू बी फेमस, आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आई वुड लाइक टू बी लाइक शाहरुख खान, आई वुड लाइक टू बी लाइक सचिन तेंदुलकर। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मैं समाज सेवा की तरफ जाऊंगा, मैं अपना एनजीओ बनाऊंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा। नोबडी फोकसेस ऑन दिस थिंग, वेयर एज वी नीड सच पीपल इन द वर्ल्ड। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के अंदर, टेररिज्म है, पावर्टी है, इलिटरेसी है। आप क्या आप समझते हैं कि इन चीज़ों को सिर्फ सरकारें दूर कर सकती हैं? इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए क्या? ये क्वेश्चंस मैंने रेज किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप इनके आंसर्स मेरे को देने की बजाय हम सब अपने दिलों में इनके जवाब सोचें कि हमारे लिए क्या जरूरी है, कितना, और सक्सेस की डेफिनेशन भी कोई नहीं है दोस्तों, कितना पैसा कमा लें, कितने डॉलर्स कमा लें एंड विल बी कॉल्ड सक्सेसफुल। अगर इसकी कोई लिमिट होती तो शाहरुख खान साहब भी काम करना छोड़ चुके होते, बिल गेट्स साहब भी काम करना छोड़ चुके होते, क्योंकि उनके पास प्रॉबली इतना पैसा जमा हो चुका है जो उनके अपने लाइफ टाइम के लिए तो मोर देन एनफ है। अगर चैरिटी भी करेंगे तो भी वो पैसा खत्म होने वाला नहीं है। सेम इज विद अस, वी हैव एवरीथिंग वी नीड एंड रादर वी हैव मोर देन दैट, लेकिन हमारी जिंदगियों में सेटिस्फेक्शन की एक कमी है। तो दोस्तों मैंने आपको एक सक्सेस का मंत्रा अपनी तरफ से देने की कोशिश की है कि मेरे लिए सक्सेस क्या है, कि आई शुड बी एबल टू लीव अ डिसेंट लाइफ, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी शुड बी विद मी, डिसेंट अमाउंट ऑफ कंफर्ट्स इन लाइफ शुड बी विद मी, बट डीप इन साइड माई हार्ट आई फील कि सक्सेस तो वही सक्सेस है जिसमें मैं कुछ लोगों का भला भी कर पाऊँ, वेयर आई कैन गिव समथिंग बैक टू माई सोसाइटी, एंड वेन आई डू दीज गुड डीड्स, मेरे को इनका प्रचार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आई डोनेट मनी और आई डू अ गुड डीड तो देर शुड बी ए कैमरा प्रेजेंट एंड दे शुड रिकॉर्ड माई दीज थिंग्स, एंड देर इज नो नीड टू पुट अप दीज थिंग्स इवन ऑन 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 माई फेसबुक वॉल एज वेल। सो आज के वीडियो का मतलब यही था कि आई एम हाईली मोटिवेटेड टूवर्ड्स वन फैक्ट, कि अगर हम सब लोग अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कम से कम एक अच्छा काम किसी स्ट्रेंजर के लिए रोज करना शुरू करेंगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलेगी दोस्तों। सो इसी मैसेज के साथ मैं अपना आज का मैसेज क्लोज करता हूँ, और बिफोर आई क्लोज इट डाउन, आपका एक बार दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, और इस वीडियो के बाद भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे मेरे विचारों से, आप सहमत हैं तो आप कमेंट करके मेरे को बताएं, कुछ और बातें मेरे साथ करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, फैमिली को भी बोलें, लेट्स स्प्रेड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।